अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अलाइड हेल्थ साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए एक शॉर्ट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं शेयर करूँगा। इसका मेन मकसद जो है वो बेसिकली तीन है। एक तो ऑब्वियस मकसद है कि आपके जो प्रोफेशनल एग्जाम होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ज़ाहिर है एमसीक्यूज जब तक आप सॉल्व नहीं करते या एमसीक्यूज आप देखते नहीं हैं, इवन की के साथ भी, तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होता कि एमसीक्यूज इवेंचुअली एग्जाम फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये ऑब्वियस पर्पस है कि ब्लॉक में हेल्प होती है। दूसरा, लेकिन जो इसका ज़्यादा बड़ा मकसद है वो ये कि आपकी पढ़ाई एक खास मखसूस अंदाज में होनी चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और क्योंकि आप लोगों के पेपर्स होते ही एमसीक्यू से रिलेटेड हैं, तो ये मेरा एक एक कंसर्न है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं, तो उस लिहाज से फिर पढ़ाई भी उस लिहाज से की जाती है। तो इन एमसीक्यूज को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि कोई भी यूनिट पढ़ने से पहले इनको देख लें, की को ना आप रेफर करें। दूसरा टेक्निक ये है कि आप जब एक यूनिट पढ़ लें तो उसके फौरन बाद आप ये एमसीक्यूज रिव्यू कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि और भी किताबें आप रेफर करें और उनसे उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आप सॉल्व करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और बेशक की के साथ करें, की के बगैर करें तो बहुत अच्छी बात है। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसे पॉज कर दें, सवाल को अच्छी तरह देख लें और अपने पास एक पेपर पे लिख लें कि आपके ख्याल में कौन सा करेक्ट आंसर है, और फिर आप प्ले करें, क्योंकि मैं साथ ही उसकी की फिर बता भी दूंगा और जहाँ डिस्क्राइब करनी होगी वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि जो मटेरियल आप पढ़ेंगे उससे पहले एमसीक्यू या उसके बाद के एमसीक्यू, दोनों आपको फायदा देंगे, क्योंकि वो नॉलेज को रीइन्फोर्स करते हैं, क्योंकि बहरहाल आपका जो टेस्ट है या इम्तिहान है वो एमसीक्यूज आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सीरीज एमसीक्यू सीरीज फॉर अलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स में स्टार्ट करूंगा, इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।